जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूल 360 एंड दिस इज अभिषेक योर फिटनेस कोच। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपना बेली फैट लॉस वर्कआउट प्रोग्राम। तो दोस्तों बेली फैट का वर्कआउट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बेली फैट इंक्रीज क्यों होता है। तो गाइज होता क्या है, आपकी बॉडी को जितनी कैलरीज की जरूरत होती है, अगर आप उससे ज्यादा कैलरीज इंटेक कर लेते हैं तो वो कैलरीज आपकी बॉडी आपकी बेली में स्टोर कर लेती है को जरूरत पड़े। ठीक है, तो होता क्या था, पहले के लोगों के पास फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था, उनको हर चीज के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती थी। बट आज हर चीज के लिए शॉर्टकट्स हैं अपने पास, बहुत सारे सोर्सेज हैं हर चीज के लिए, और खाना भी बहुत अनहेल्दी खाते हैं लोग। तो बेली फैट को कम करने से पहले आपकी डाइट को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और फैट लॉस डाइट प्लान मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है। जिसने भी अभी तक फैट लॉस का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने शेयर किया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेली फैट वर्कआउट, और ये वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रुति एंड शालू। तो गर्ल्स यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बेली फैट वर्कआउट में फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी डंबल ट्विस्ट। ओके, लेग स्टांस ये रखेंगे, थोड़ा शोल्डर विड्थ से बाहर, एंड बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है जितना बॉडी आपका स्ट्रेच कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, टेक योर डंबल। ईच एक्सरसाइज 45 सेकंड परफॉर्म करना है एंड 15 सेकंड का रेस्ट रहेगा। सो यू रेडी? एंड 3, 2, 1 स्टार्ट। गुड, बॉडी स्ट्रेच, बहुत बढ़िया। थोड़ा फ्लो में करेंगे, स्पीड अप करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हैंड्स को स्ट्रेट रखने का ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना है हैंड्स को अपने। गुड, बॉडी ट्विस्ट करना है अच्छे से, आपको फील होना चाहिए प्रेशर आपकी बैली पे, आपके रिब्स पे, दोनों साइड। गुड, 10 सेकंड लेफ्ट एंड 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। वेरी गुड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी वेटेड शोल्डर रेज। ओके, कैसे परफॉर्म करना है, आपका लेग्स का स्टांस शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड रहेगा, और ग्रिप टाइट रखिएगा, अगर छूट जाएगा तो इधर उधर लगना जाए इसीलिए। तो स्ट्रेच करेंगे शोल्डर को फ्लो के साथ। ओके, पूरा बैली स्ट्रेच होना चाहिए, हाथों को फेस से ऊपर। ओके, सो रेडी, लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1 स्ट्रेच। गुड, बहुत बढ़िया। इस एक्सरसाइज का इंपैक्ट आपके फोर आर्म्स से होते हुए आपका पूरा ये ट्राइसेप्स एंड लैटिस एंड पूरा बैली इंपैक्ट करेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, दोनों हाथों के डंबल ग्रिप एकदम टाइट रखिएगा, डंबल छूट जाएगा तो नुकसान हो सकता है आपका या फिर आपके आसपास वालों का। सो बी केयरफुल एंड परफेक्शन के साथ करेंगे। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप दोनों। 10 सेकंड लेफ्ट, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। गुड, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करेंगे हमारी वेटेड साइड स्ट्रेच। इसको परफॉर्म करने के लिए आपकी शोल्डर विड्थ के बराबर आपका लेग्स का स्टांस रहेगा, ग्रिप टाइट, हैंड्स अप एंड गोज डाउन एज मच एज यू कैन, गोज डाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट एंड 3, 2, 1 स्टार्ट। साइड एंड साइड, गुड, इजी। बॉडी कंट्रोल में रखेंगे, बॉडी को ढीला नहीं छोड़ेंगे, आपका कोर टाइट रहना चाहिए, बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी बैली को। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्कआउट को कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए तरीके से,
चाहे दो चार रैप आप कम कर लो, लेकिन करो अच्छे से ताकि इफेक्ट ज्यादा आए आपको, ठीक है। जिम में जाके अपना टाइम पास करना जरूरी नहीं है, जिम में जाओ थोड़ा वर्कआउट करो बट प्रॉपर करो, एग्जैक्ट करो। बार बार ट्रेनर से पूछो आप कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ट्रेनर्स का काम होता है आपको बताना, ठीक है। सो गुड, 3 2 1 स्टॉप। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी साइड लेग रेज, बेली फैट को कवर करेगा काफी अच्छे तरीके से, साथ के साथ आपके लेग्स को भी। ओके, कैसे परफॉर्म करना है, हाथ आपके सर पर रहेंगे और सेम डायरेक्शन में आपका हैंड एंड लेग दोनों मूव होगा, साइड 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 एंड साइड। ओके, सो रेडी, 3 2 1 एंड स्टार्ट। साइड एंड साइड, गुड। फेस फ्रंट ही रहेगा आपके, सामने देखेंगे आप और लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, आपकी एल्बोज को आपके लेग्स के नीचे लाने का ट्राई करेंगे, जितना अच्छा करेंगे परफॉर्म उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। गुड, आपके हाथ आपके हेड से हटना नहीं चाहिए। ओके गुड, अच्छा जा रहे हैं, वेरी गुड। बॉडी को जितना ज्यादा टिल्ट करोगे उतना ज्यादा आपका बैली पे हिट आएगा, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, चलते रहेंगे। एंड 3 2 1 स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी साइड क्रॉस बैंड। ओके, करना कैसे है परफॉर्म अपने को, हाथ अपने सेम हेड पे रहेंगे और आपकी एल्बोज और आपका नी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। गुड एंड बैंड एंड बैंड, गुड, ठीक है। तो रेडी हैं आप, स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। गुड, वेरी गुड। इसमें फोकस करेंगे, आपका नीज बैंड नहीं होगा, आपका सॉरी आपका एल्बो बैंड नहीं होगा, आपका एल्बो स्ट्रेट ही रहेगा। गुड, अच्छा जा रहे हैं, गुड। थोड़ा सा हुक करेंगे अपन, फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा। ओके गुड, टारगेटेड एरिया आपका बैली एंड रिब्स दोनों रहेगा और जितना अच्छे से परफॉर्म करेंगे आप उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। गुड, अच्छा कर रहे हैं, एंड 3 2 1 स्टॉप। गुड, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी स्पाइडर माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, कैसे परफॉर्म करना है, आपके हाथों के पंजे शोल्डर से पीछे रहेंगे, कोर एंगेजमेंट रहेगा पूरा, टोस पे रहना है एंड आपका जो नीज है वो शोल्डर पे टच करने का ट्राई करना है। ओके, टच नहीं होता कोई बात नहीं, बट ट्राई करना है आपको। एंड अपोजिट बैली हिप्स आपका डाउन जाएगा फ्लोर की साइड। ओके, सो यू रेडी, 3 2 1 एंड स्टार्ट। गुड, सामने देखेंगे एंड बैली को नीचे तक लेके जाएंगे और थोड़ा सा, गुड, आराम से धीरे धीरे परफॉर्म करना है 45 सेकंड तक, 45 सेकंड आपके 45 सेकंड में ही जाएंगे तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से बस तरीके से जाना है आपको। ओके गुड, अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। गुड, कई लोग इसको परफॉर्म करते टाइम अपना ब्रिज बना लेते हैं, वो ब्रिज नहीं बनाना, अगर आप ब्रिज बनाओगे तो आपका पैर पीछे की तरफ स्लिप होगा, ध्यान रखें। एंड स्टॉप, गुड। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपका बॉडी वेट आगे की तरफ रहेगा, कई लोग ब्रिज बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है उनका पैर पीछे की तरफ स्लिप होता है, अगर आपकी बॉडी वेट आगे की तरफ रहेगा तो स्लिप नहीं होगा आपका। ओके, तो ये पोजिशन का ध्यान रखना है आपको इसमें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी रोप क्लाइंबिंग, कैसे परफॉर्म करना है, आपको फ्लोर पर लेटना है सीधा। गुड, नीज बेंड करेंगे और हवा में रखेंगे,
गैप करो, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, एंड आपके हाथों को ऊपर की तरफ आपको अज्यूम करना है, आपको कोई रोप पकड़नी है आपको, ओके, रोप से चढ़ना है, गुड, शोल्डर ब्लेड पूरा उठेगा, ठीक है, अपोजिट वन बाय वन करना है, ओके, अल्टरनेट रहेगा, गुड, सो यू रेडी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट, गुड, दिस वन, जितना हो सके उतना ऊपर तक आएंगे आप, आपके रिब्स पे पूरा फोकस रहेगा इसमें, गुड, ऊपर की तरफ और गुड, टच करेंगे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ टच करेंगे, गुड वन, गुड, अच्छा कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप ऊपर की तरफ उठते हैं तब आपका ब्रीद आउट होना चाहिए मुंह से, ओके, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपना साइड क्रंचेस, कैसे परफॉर्म करना है, फ्लोर पे लेटेंगे आप, गुड, नीज बेंड रहेगा, गुड, एंड सिंगल हैंड आपके हेड पे और दूसरा हाथ आपके रिब्स पे, ठीक है, और एक साइड को शोल्डर ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाना है, गुड, स्टार्ट, गुड, तो और बाहर की तरफ ब्रीद आउट करेंगे जब अपन स्टार्ट करेंगे, ओके, सो रेडी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट, गुड, बहुत बढ़िया, ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद आउट करोगे तो आपका जो एब्डोमिन है वो पूरा अच्छे से स्क्वीज हो पाएगा, ठीक है, ब्रीद होल्ड करके केवल अपन को वेट लिफ्ट करना होता है, एब्डोमिन वर्कआउट करते टाइम आपको ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका जब भी आप एब्स करेंगे, गुड, और सबसे जरूरी बात, झटका नहीं देना उठते टाइम, कई लोग एब्स करते टाइम या फिर कोई भी एब्डोमिन की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उस टाइम झटका बहुत देते हैं जिससे उनके नेक और सर्वाइकल में पेन उठता है, तो बॉडी को झटका नहीं देना है, एकदम रेज करना है, इजी आराम से, गुड, हो सकता है कि मतलब ज्यादा अच्छे से ना हो पाए बट कोशिश करें कि आपका पॉस्चर एकदम सही हो ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, एंड स्टॉप, सेम मूवमेंट अपन साइड चेंज करके भी करेंगे, अभी एक साइड से हुआ है एंड सेम अपन साइड चेंज करके करेंगे, सो रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट, गुड, बहुत अच्छा है, थोड़ी टिपिकल है एक्सरसाइज लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके रिब्स के लिए, आपकी बैली के लिए, ठीक है, ओवरऑल आपके बैली और रिब्स को बहुत अच्छे से टारगेट करेगी ये, बस आपको ऊपर आपका जो शोल्डर ब्लेड है उसको ऊपर की तरफ उठाना है और आपकी ब्रीथ को बाहर की तरफ स्क्वीज करना है, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप दोनों, गुड, थोड़ा टफ रहेगा, इतना इजी नहीं है बैली फैट को कम करना, बहुत बढ़िया, आराम से थोड़ा और करेंगे श्रुति, एंड 3, 2, 1 स्टॉप। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है अपनी प्लैंक होल्ड विथ बैली टैप, कैसे परफॉर्म करना है, सिंपल प्लैंक होल्ड की पोजीशन अपन लेंगे, गुड, और आपकी बैली को लेफ्ट एंड राइट फ्लोर पर टैप करना है, करके बताएंगे, गुड, टच एंड टच, ओके, सो गॉट इट, एंड योर टाइम स्टार्ट, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट अप, गुड, बहुत अच्छे, एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम अगर आपका बॉडी वेट पीछे की तरफ रहेगा तो आपके पैर ज्यादा स्लिप होंगे, आपका बॉडी वेट आगे की तरफ अपन रखेंगे ताकि आप स्लिप ना हो, गुड, आराम से और धीरे धीरे करते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है, बस 45 सेकेंड तक अपन को करना है पूरा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, गुड, बॉडी वेट आगे की तरफ, आपके जो आर्म्स हैं वो आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे रहेंगे, आगे पीछे या फिर ब्रिज नहीं बनाना अपने को, वरना अपना जो प्रेशर आना चाहिए कोर पे वो शोल्डर्स पे ज्यादा आता है, राइट, एंड स्टॉप। तो अब लास्ट एक्सरसाइज अपन परफॉर्म करेंगे जो है अपनी साइड प्लैंक, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैली फैट के लिए, कैसे परफॉर्म करना है, आपकी एल्बोज को फ्लोर पर रखेंगे, गुड, एंड साइड
बॉडी को साइड करेंगे, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, गुड, एंड बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर। ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, इसमें बैलेंस भी बनाना है आपको और काफ़ी देर तक आपके एल्बोज पे भी रहना है, तो हो सकता है ये ज़्यादा देर परफॉर्म ना हो पाए, इसीलिए अपन 20-20 सेकेंड ही इसको परफॉर्म करेंगे, 20 सेकेंड लेफ्ट से, 20 सेकेंड राइट से, ओके। सो 3, 2, 1 एंड साइड चेंज, गुड, स्वाइप करेंगे, गुड, पोजिशन 3, 2, 1 एंड अप, गुड, बैलेंस बनाए रखेंगे, गुड, हाथ सीधे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1, ओके गर्ल्स, गुड। तो गाइज यहाँ पे हमारा बेली फैट लॉस वर्कआउट खत्म होता है, उम्मीद है वर्कआउट आपको पसंद आया होगा, जिसे भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।